वन मोर मैसेज प्रकट हेलो व्यूअर्स, एक और शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। आफ्टर इंटरनेशनल काउ फेस्टिवल मैं आ गया हूँ अभी स्वामीनारायण फेस्टिवल के ऊपर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 15 तारीख से लेके एक महीने के लिए फेस्टिवल ओपन हो गया है और आज है पहला दिन और ये है एंट्रेंस। चलो अंदर चलते हैं और डिटेल्स देखते हैं यहाँ पे होने वाला क्या क्या है। स्वामी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में या स्वामीनारायण के बारे में? तो ये यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है और सभी तरह के संत भी यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे सवालों का जवाब कोई देता नहीं है क्योंकि मैं वीडियो इसी तरह से ऑन करके शुरू हो जाता हूँ। मेरा स्टाइल है, नो क्वेश्चंस नो आंसर्स। तो चलो चलते हैं अंदर। ये मैंने गेट नंबर 7 से एंट्री करी है और सामने देख रहे हैं आप एक मूर्ति रखी हुई है और उस मूर्ति के लेफ्ट साइड में मैं आ रहा हूँ। तो आप देखिए, इस तरफ में आपको राइट साइड में दो स्टॉल्स नज़र आएंगी, एक में बुक्स मिल रही है और एक में फूड मिल रहा है। ये जो फूड है पेड फूड है, आपको जो भी चाहिए पाव भाजी वगैरह वो सारा फूड यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और अगर आपको बुक्स पढ़नी है या कुछ यहाँ से शॉपिंग करनी है तो वो सारे आइटम्स आपको इस तरफ मिलेंगे। और डेकोरेशन और सेल्फी पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, आप जितने लेंगे सेल्फीज उतना कम पड़ेगा। तो ये देखिए, पुराने जो कांसे के बर्तन हुआ करते थे, पीतल के बर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तो कमाल की चीज़ है जो यहाँ देखने को मिल रही है, बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। ये मैं अंदर और थोड़ा आ गया हूँ। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा, आप थक ना जाएं। इसके लिए आपको सब चीजें बहुत पेशेंसली धीरे धीरे घूमनी होंगी। अगर आपने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सब कवर कर लूं तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये देखिए क्या खूबसूरत लाइटिंग। यहाँ पे आने के दो समय आपके लिए हो सकते हैं बेहतर, एक सुबह का और एक शाम का। थोड़ा सर्दी का मौसम है यहाँ पे तो आप शाम को भी आ सकते हैं, लेकिन देखिए क्या नज़ारा रहेगा रात का। यहाँ पे पूरी लाइटिंग जगमगाता हुआ और क्या डेकोरेशन। लेकिन अगर आप नेचर से थोड़े भी कनेक्टेड हैं तो आपको ये फूल पत्ते पौधे इनको देखने का मज़ा थोड़ा दिन में आएगा। तो आप एक काम करिए, शाम को थोड़ा 6 बजे के पास निकल के आइए और देखिए इस खूबसूरत जगह का नज़ारे। आप देख रहे हैं मेरे सामने हैंगिंग हैंड, एक हाथ है जिसने दूसरे हाथ को थामा हुआ है, दूसरा हाथ है कहाँ से आ रहा है पता नहीं, और एक हाथ का बेस बना हुआ है। इस चीज़ को बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा आप सोचिए। आपको वीडियो पूरा देखना है, मैं बीच बीच में चीज़ें बहुत ही खास तरीके से बताऊंगा। तो ये है वो शानदार जगह है और ये देखिए आप सामने प्रमुख स्वामी जी महाराज की मूर्ति बनाई गई है। ये सारे कारीगर जो है बंगाल से आए हैं और आप देखिए इनके चेहरे पे किस तरह का तेज बना हुआ है, इसको कितना मासूम और कितना भाव से बनाया गया है। कमाल की नक्काशी, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हुए हैं। चरण स्पर्श नहीं करिए आपने। और ये यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत चरण पादुका बनाई गई है, बहुत ही खास। चेहरे पे माथे पे लाल
ललट और उस पर एक लाल चमकते हुआ बिंदा और यू शेप का जो चंद्रमा, और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं घड़ियां, उनमें कुछ टाइम और कुछ मैसेज दिया हुआ है। और ये तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं, क्या खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हाथ और फिर सामने मूर्ति और उसको तिलक लगाते हुए, ये देखिए बांस की डंडियों के फूल बनाए हुए, और क्या खूबसूरत तरीके से हाथ, उनके ऊपर नाखून, इतनी शानदार तरीके से नक्काशी करी गई है। ये देखिए आप पीछे से पूरा एक एक चीज पर कितना मेहनत और कितना वक्त दिया गया है, उसे पूर्ण रूप से खूबसूरत बनाते हुए। और ये यहाँ पे भजन करते हुए लेडीज, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल बनाया गया है। आप यहाँ भजन करिए, आइए, क्या खूबसूरत बनाया गया ना, कमाल है। ध्यान से देखिए इस उंगली को इशारा करते हुए, सिर्फ ये एक ही हो, तुम और मैं और तुम, कोई दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। अपना अपना मीनिंग है, कोई कुछ भी निकाल सकता है, मैंने ये निकाला है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो निकालो। मेरे वीडियो से अंदाज हो जाएगा मैं किधर किधर घूम रहा हूँ। अभी मैं इस मूर्ति के जस्ट पीछे की तरफ हूँ, ये है प्रमुख ज्योति उद्यान, जहाँ पे आपको लाइटिंग का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। क्या बेहतरीन तरीके से लाइटिंग करी गई है और चीजों को बनाया गया है। तो चलिए अंदर देखते हैं इस खूबसूरत जगह को इस खास वीडियो की तरफ से। यहाँ पे शेरों को बताया गया है, और बताया गया कि आप जिंदगी में शेरों की तरह दहाड़िए बिना फिक्र के, बिना किसी भय के, लेकिन यह धड़ आपकी सही डायरेक्शन में होनी जरूरी है। दिस इज कॉल्ड करेज, और ये करेज के साथ हम आगे बढ़ते हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊंट, ये है कैमल, और ये जो सिंबलाइज करते हैं आपकी थकान को लेके, अगर जिंदगी में आप थक गए हैं बोझों के तले, तो आप के अंदर वो टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, ऊंटों की तरह आप किसी भी वजन को जिंदगी के सहन करते हुए आगे बढ़िए, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी टॉलरेंस पावर ऊंटों की तरह होनी चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पानी नहीं, जो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, और ये सिंबलाइज करता है कि आप अपना कार्य बहुत धैर्यपूर्ण, बहुत निष्ठा के साथ में करते रहिए, और आपका कार्य अंत में आपको जरूर अच्छा परिणाम देगा। ये है वर्क ऑफ परफेक्शन।
और दिस वन इज माय फेवरेट वन, मंकीज। और यहाँ पे मंकीज जो सिंबलाइज कर रहे हैं वो कि आप जिंदगी में मौज मस्ती लेते रहिए वक्त वक्त पर, कभी भी इतना सीरियस और गंभीर भी मत होइए, आपका ह्यूमर आपके अंदर जगह रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मंकीज लाइफ। तो ये देख रहे हैं आप मेरे सामने महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक, जो कि अपने राजा की सेवा में 24 घंटे लगे रहता था। तो आप भी इसी भावनापूर्ण से, इसी तरह से जिंदगी में पूर्ण रूप से अपनी सेवा दीजिए। किसको देनी है वो आप डिसाइड करिए। आप अपने राजा को चुन सकते हैं या आप स्वयं राजा बन सकते हैं, चॉइस इज योर्स। हाँ, आप मेरे सामने देख रहे हैं भेड़। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या वैल्यूज देंगे रियली में आगे, लेकिन जो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। ह्यूमिलिटी, द वैली ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता निर्बलता नहीं है, जो मार्ग देता है उससे मार्ग मिलता है। तो आप जिंदगी में अगर झुक जाते हैं तो आप पछताइए मत, आपको मार्ग जरूर मिलेगा। और ये नेक्स्ट है पीस, शांति, दिल में शांति तो दुनिया में शांति मेरे लिए। तो आपका दिल और आपका सुकून आप कहाँ ढूंढ रहे हैं देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्ड्स को फ्लाई करते हुए, और यहाँ पे सिंबलाइज करता है ये हारमनी को, संवादिता को। बर्ड्स वू फ्लाई इन हारमनी एंड डिसिप्लिन फ्लाई फास्टर एंड फादर। अगर आप हारमनी में और डिसिप्लिन में फ्लाई करते हैं तो आप ज़्यादा तेज और ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो ये जिंदगी का फलसफा। और ये देखिए आगे बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बनाया गया, ये अक्षरधाम टेम्पल का हूबहू कॉपी यहाँ पे उतारा गया है। इतने सारे मैसेजेस और इतने खूबसूरत डिजाइंस, आपको किसी फॉरेन कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। हम भी बहुत बेहतर हैं और हमारी संस्कृति और भी बेहतर है। ये है कॉन्फिडेंस का मैसेज देते हुए, ये मैसेज कॉन्फिडेंस देते हुए माता पिता को, अपने बच्चों को और बच्चों के अपने माता पिता पे विश्वास, दोनों का जो जुड़ाव है बहुत शानदार। द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन बाय बोथ साइड। मैसेज है यूनिटी का, अगर आप मिलकर साथ काम करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी बहुत आसानी से दूर तक ले जा सकते हैं। दिस इज द मैसेज गिवन बाय आंट्स। वैल्यू ऑफ लॉयल्टी गिवन बाय डॉग्स। कुत्तों की तरह वफादार रहिए, कुत्ते मत बनिए। मैसेज गिवन बाय डॉग्स, कुत्तों की तरह वफादार बनिए, बी लाइक ए डॉग इन केस ऑफ लॉयल्टी। देख रहे हैं यहाँ पे हंस और कमल के फूल मैसेज देते हुए कि आप प्योर रहिए, प्योरिटी के साथ में मेंटेन करिए, कीचड़ हो या पानी में आप लेकिन इतने प्योर रहें, इतने चमकते दमकते रहें कि हर जगह आप अपना उजाला फैलाते रहें। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ के खूबसूरत डेकोरेशन के साथ में खूबसूरत मैसेज। ये है आप और ये है आपकी खोपड़ी, जिसमें कंप्यूटर 24 घंटे चलता रहता है। उसको थोड़ा शांति दीजिए, दिमाग को थोड़ा राहत दीजिए, कानों को खास खोल के सुनते रहिए किस तरह की आवाज़ें गूंज रही हैं आपके आजू बाजू। यहाँ देखिए मैसेज, शंख है, स्वामीनारायण का सिंबल है, ओम का सिंबल है, और स्वास्तिक का सिंबल है, और वाह ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बनाया और कितने कम समय में इतनी खूबसूरत तरीके से इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करा गया है। क्लासिक, यहाँ पे पेड़ पौधों को आपस में बात करते हुए दिखाया गया है। बी कनेक्टेड विद द नेचर एनी टाइम ऑलवेज। इक्वल टू MC स्क्वायर इसका
बहुत ही गहरा नाता है मुझसे, वक्त मिलेगा तो कभी बताऊंगा। और ये सिंबलाइज करते हुए कुछ न कुछ बहुत ही खूबसूरत, इस तरह से हमारी ये मैसेज गैलरी पूरी होती है गांधी जी के चक्कर के साथ में। और यहाँ पे खूबसूरत सवाल करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उसका एक बेहद ही खूबसूरत जवाब, भगवान में श्रद्धा की कमी है, आपके पास में सब कुछ है लेकिन समथिंग इज मिसिंग, द मैसेज इज हियर, यू हैव एवरीथिंग बट समथिंग इज मिसिंग, दैट्स द क्वेश्चन मार्क ऑफ लाइफ। वन मोर मैसेज, प्रकृति की भलाई में हमारी भलाई, हम पौधों को सींचेंगे, पौधे बादल लाएंगे, बादल बारिश करेंगे और इस तरह से हम ये मंदिर तक पहुंचेंगे। मैसेज दिया गया है कि आप अपने स्क्रिप्चर्स में फेथ रखिए, विश्वास रखिए। यहाँ पे आप देखिए वेद उपनिषद, रामायण, महाभारत और वचनामृत, उनके खास मैसेजेस यहाँ पे लिखे गए हैं, भगवान स्वामीनारायण द्वारा दिए गए। फेथ इन गुरु, जस्ट सो ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन, सेवा बूथ, और ये यहाँ पे दरवाजा, सुपर सुपर। और ये हमारा अशोक स्तंभ, अशोक चक्र और हमारा तिरंगा झंडा, जय हिंद। और ये आजादी के 75 वर्ष आजादी के 75 वर्ष और अमृत महोत्सव। देखिए वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होने वाली है, जैसा वीडियो बन रहा है, जो बन रहा है वही आएगा। तो ये आपने मेरे साथ में देखा प्रमुख स्वामीजी महाराज का शताब्दी महोत्सव, और यहाँ पे आप कभी भी आइए और इस जगह को देखिए, आनंदित होइए। यहाँ पे रहने के, खाने के, पीने की सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो यहाँ से मैं साइन आउट करता हूँ, और आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं अपडेट करूँगा, कोशिश करूँगा एक और वीडियो यहाँ का डालूँ और आपको जिसमें मज़ा आए देख के। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, शब्बा खैर। तो ये है नारायण भोजनालय, और यहाँ की अरेंजमेंट्स आप देखिए कितने क्लासिक है। दोनों तरफ में आपको डिशेस मिलेंगी एकदम क्लीन, ये कटोरियाँ हैं। यहाँ पे आपको खाने को ब्रेड मिलेगा, ब्रेड के अंदर कुछ मसाला लगा हुआ, बहुत मस्त पूरी है, वाखरी है, और ये देखिए इधर बिरयानी और कड़ी, मीठी कड़ी,
तो ये आपकी डिश इस तरह से तैयार हो जाएगी। आप खाना यहाँ से लीजिए और फिर सीधे ऐसे ही कहीं नहीं बैठ सकते हैं, बहुत सिस्टमेटिक वॉलंटियर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं आपको गाइड करने के लिए। आप प्रॉपर तरीके से लाइन में बैठिए, जूते चप्पल अपने पीछे उतारिए या तो आप साइड में उतारिए और इस तरह से आप एक प्रॉपर लाइन में बैठेंगे। तो यहाँ की और लास्ट वाले वीडियो में आपको अंतर नज़र आ रहा होगा कि सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज करने को हम और कैसे बेटर बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें और बहुत पसंद आई, चलो आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये पूरे जोन में जब आप खाना खा चुके होंगे तो आपको लाके अपने डिशेज यहाँ पे खाली करनी है, इवन तो कुछ वेस्ट बच जाए तो, वैसे बचना नहीं चाहिए। उसके बाद में आप अपनी डिशेज को यहाँ पे लेके आइए। यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट है, पाइप के अंदर छेद करे गए हैं और इस तरह से ये क्लीनिंग का अरेंजमेंट है। ये देखिए इस तरह से आपकी डिश आप यहाँ बीच में रख सकते हैं, आपकी डिश नीचे गंदी भी नहीं होगी और पानी पूरा बहते हुए डिश को क्लीन कर देगा। और ये देखिए उस तरफ की एक रो है और इस तरफ में रो है और इस तरह से पूरा पानी कलेक्ट होकर यहाँ आ रहा है और यहाँ से पूरा अंडरग्राउंड इन्होंने पहले से अरेंजमेंट करा हुआ था, पानी कहीं बाहर निकल रहा है सीधा। आप अपनी डिश क्लीन करिए और इनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस तरह से यहाँ पे सबमिट कर दीजिए और खाना खाने के बाद में आप बाहर जा सकते हैं। हाँ तो ये क्या क्लासिक अरेंजमेंट है, लेडीज़ लोगों के लिए उधर सेपरेटली और इस तरफ में जेंट्स के लिए। तो ये जो मैंने आपको अरेंजमेंट सारा दिखाया ये है गेट नंबर 7 के जस्ट बाजू में। आपको गेट नंबर 7 से एंटर नहीं करना है, उसके राइट साइड में आ जाना है। तो चलो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, प्रदर्शन खंड 6 सहजानंद ज्योति।